जुमलेबाजी की भी हद है, हर बात इनकी जुमला ही लगती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी एक जुमला सा साबित हो रही है हरियाणा के फरीदाबाद में। दर्शकों आपको बता दूं, इस वक्त हम फरीदाबाद के केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लाल कपड़ों में जो लोग नजर आ रहे हैं ये आशा वर्कर हैं, ये वही आशा वर्कर हैं जो कोरोना में एक तरीके से वरदान साबित हुए थे और पिछले 42 दिनों से लगातार प्रदर्शन पर हैं। लगातार प्रदर्शन पर हैं, यहाँ पे 42वां दिन है, कई घटनाएं घट चुकी हैं। आज भी यहाँ पर एक आशा वर्कर गर्मी की वजह से बेहोशी हो गई जिसे आपातकालीन में ले जाना पड़ा और यहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री के यहाँ पर ये प्रदर्शन के लिए आए हैं। जानते हैं पूरा कौन कौन लोग शामिल हुए हैं और क्या क्या आज इनकी मांगे रहेंगी। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले आपका परिचय लेना चाहूँगा। मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ। सुनीता जी, कौन कौन लोग शामिल हुए हैं आज यहाँ? आज यहाँ पर जो है CITU के राज्य के महासचिव और CITU के जिला के पदाधिकारी और सर्व कर्मचारी संघ के जिला के और राज्य स्तर के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। पलवल, मेवात और फरीदाबाद की आशा वर्कर्स जो है यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल हुई हैं और हमारी ये मांग है सरकार से कि हमारा जो है वेतन वो 26,000 रुपए होना चाहिए और इसका पूर्व नोटिस हम कृष्ण पाल गुर्जर जी को दे के गए थे और इससे पहले भी फरीदाबाद की आशाएं 4 तारीख को आई थी और उनको अवगत करवाया था कि हमारी समस्याएं हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। पिछले 5 साल से आशाओं के काम कई गुना बढ़ा दिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के और आशाओं के मानदेय नहीं बढ़ाए गए हैं। जब आशाओं के मानदेय नहीं बढ़ेंगे, काम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी तो लाजमी है कि विरोध होगा और जब विरोध होता है तो सरकार को बात सुननी चाहिए और उस विरोध का जो है संज्ञान लेना चाहिए। आशाओं ने जो है हड़ताल कोई शौक में नहीं की, हमारी मजबूरी है। हम पिछले 5 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है हमारे मानदेय को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, उनको समय समय पे बढ़ाया जाए और हमारे जो काम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से स्पीड से हमारा मानदेय बढ़े। तमाम आशा स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं, परिवार समेत उनके इलाज की गारंटी हो। एक तरफ सरकार ढकोसला कर रही है कि हम सारे जो है 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत के अंदर शामिल करेंगे। अभी तक तो हरियाणा की 20,000 आशाओं को सरकार शामिल नहीं कर पाई और जनता को तो ये बहकावा दे रही है सरकार और हम जनता में जो है सरकार की इस बात की पोल खोल लेंगे कि सरकार झूठ बोल रही है, झूठे दिखावे कर रही है और सत्ता में आने का रास्ता ये सरकार बना रही है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सरकार की कथनी क्या है और करनी क्या है, इस बात को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। आज हमारी हड़ताल 42वें दिन में प्रवेश कर गई, अभी तक सरकार ने एक बार भी वार्ता नहीं बुलाई है। कमाल की बात है, देखिए सरकार ने 3 बार वार्ता बुलाई और 3 बार कैंसिल हो गई। भाई ऐसी क्या सरकार के अंदर बात चल रही है, ऐसा क्या मसला हो गया, ऐसा क्या मुद्दा हो गया कि भाई जो 42 दिन के अंदर जो है हरियाणा की कैबिनेट से नहीं निपट पाया और 20,000 महिलाएं सड़कों के ऊपर जो है बैठी हैं और उनकी बात सुनने का हरियाणा सरकार के पास समय नहीं है। वो क्या बढ़ेगा, क्या सरकार कर सकती है, वो बाद का मामला है। सबसे पहली बात तो ये है कि मतलब इतनी निरंकुश और इतनी जो है संवेदनहीन सरकार कैसे हो सकती है कि 42 दिन तक बात ना सुने। आप यहाँ लगभग कितने समय से खड़ी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं? अभी हमें यहाँ पे आए हुए कम से कम आधा घंटा हो गया। यहाँ पे पूर्व नोटिस दिया था हमने, इसके बाद भी यहाँ पे हमारा ज्ञापन लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। आधा घंटा हो चुका है, एक आशा वर्कर घटना भी घट चुकी है, इससे पहले भी एक आशा वर्कर का देहांत हो चुका है पंचकुला के दौरान और इससे पहले भी कई प्रदर्शनों में आशा वर्करों के साथ कईयों के साथ। तो क्या लग रहा है कि सरकार सुन पाएगी? इतना बलिदान दिया जा रहा है उसके बाद भी काम चल रहा है, क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से? देखिए जब भी सरकार जो है अगर बात नहीं सुनेगी तो ये बलिदान जाया नहीं जाने दिए जाएंगे। ये जो हरियाणा की महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं, इन महिलाओं का इतिहास है। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त भी हरियाणा की महिलाओं ने जो है सिर पे मंडासा बांध के और बराबरी में हमने जो अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया था और ये सरकार समझती है कि हमारी बात नहीं सुनेगी और ये हम जो है पीछे हट जाएंगे। ये सरकार की भूल है, हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये हड़ताल सरकार चाहे जितनी लंबी करवाने की कोशिश कर ले, ये आशाएं पीछे नहीं हटेंगी। हमारी मांग बिल्कुल जायज है, ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानती है इस बात को
जब सरकार मानती है तो फिर सरकार उसको पूरा क्यों नहीं करती है, वो क्या कर सकती है, इस बात के लिए चर्चा क्यों नहीं करती है टेबल पे। इससे जो है पता चलता है सरकार की कथनी और करनी का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और ये बेटियों के हालात देखिए। आज जो है इस आशा वर्कर ये जो बेहोश हुई है, आए दिन किसी ना किसी जिले में ऐसा हो रहा है। आशाओं की जो है स्वास्थ्य की जो कंडीशन है वो बिगड़ रही है। आशा जो है परेशान है, वो काम से भी परेशान है। हम जब जाते हैं अपने घर पे अपने धरने से तो लाभार्थी हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, सरकार ने आपकी बात सुनी क्या नहीं सुनी, और जनता भी अब हमारे साथ आने के लिए तैयार है। क्या लगता है केंद्रीय मंत्री जी आपको दर्शन देंगे? नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, ना दे दर्शन कोई बात नहीं। अभी आज जो मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी गए हुए हैं, वो मीटिंग जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चल रही है। 4 महीने बाद तो आएंगे दर्शन देने, कहाँ जाएंगे। ये वो देश है जहाँ पे रानी के पेट से जो है राजा पैदा नहीं होते, यहाँ की जनता राजा तैयार करती है, और वो राजा बनने के लिए इनको जनता के पास आना है। और इनसे पहले जनता के पास हम जाएंगे और हम बताएंगे कि हम जनता का हिस्सा है और ये जनता के साथ क्या धोखा कर रहे हैं। वोट लेने के लिए तो आना है ना जनता के पास, और अभी देखिए पूरे हरियाणा में विरोध जारी है और इस विरोध को हम और तेज करेंगे और यहाँ दर्शन नहीं देंगे। जिस गांव में आएंगे तो फिर हम इनको गांव के सामने खड़े मिलेंगे, हम फिर बात कर लेंगे इनसे जी। तो दर्शकों, आशा वर्कर पूरी तरह से तैयार है, चाहे मंत्री जी मिले या ना मिले, उन्होंने निश्चय ले लिया है कि अपना अपनी मांगों को वह पूरा करा के रहेंगे, चाहे जितने भी बलिदान देने पड़े। और लगातार अभी देखिए यहाँ पर कुछ ज्ञापन देने की बात करी जा रही है, तो मंत्री जी से बात हुई है, इनके जो यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं पीए हैं, और उन्होंने कहा 18 से लेकर 21 तारीख तक लोकसभा का सेशन चल रहा है, तो वो वहां बिजी है। और 21 तारीख से अगला दिन 22 तारीख है, तो 22 तारीख को आपके जो प्रतिनिधि हैं वो आ जाए और आपके मामा पर मंत्री जी जो है वो बात करेंगे 22 तारीख को। इन्होंने 22 तारीख का टाइम दिया है। अब मैं यूनियन के नेताओं से अपील करता हूं कि वो एक बार इस बारे में अपना फैसला कर ले। हेमलता जी साथियों, केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से हमें सूचना दी गई है कि 21 तारीख तक सेशन चल रहा है और सेशन जो है खत्म होगा 21 तारीख को, और 22 तारीख को आशा वर्कर्स की मांगों पर बोलो कोई बात नहीं, पानी पी लो आप लोग, जिसको पानी चाहिए आप ले लो कोई बात नहीं। तो 22 तारीख को कृष्ण पाल गुर्जर जी ने बताया है, समय दिया है कि हमारे यूनियन के प्रतिनिधि मंडल से वो बातचीत करेंगे और हमारी मांगों का जो है वो समाधान करवाने के प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे पास है, आपका फोन कर दियो ना, खत्म कर दो इसको। बेहोश होकर के इसमें फोन करो, थोड़ा देखिए 19 में मेरे फोन था नहीं रहा, मेरे चौकी चार वहीं पे कौन है सरकारी संघ के राष्ट्राध्यक्ष श्रीमान जी, मंत्री की दीजिए किसे क्या आश्वासन दिया गया है? अरे बाद में कर लिया आश्वासन, मुझे बताते हैं गर्मी लग रही है, हमने कुछ क्या आश्वासन दिया? देखिए
आपको भी पता है और पूरे देश को पता है कि इस समय संसद का विशेष सत्र चल रहा है जो कि 18 से 21 तक चलना है और संसद में मंत्री जी से बात नहीं हो सकती, किसी भी हमारे उससे बात नहीं हो सकती। मैंने पीएस को भी किया है, वहाँ जैमर लगे होते हैं, वहाँ पर बातें नहीं हो सकती। लेकिन मैंने इनको ये आश्वासन दिया है कि आप 22 तारीख को अपनी कमेटी 11 बंदों की या 21 बंदों की आ जाएं और मैं खुद चल के आपकी डिमांड को मंत्री जी के सारी बात करेंगे और आगे हम हरियाणा सरकार से बात करेंगे और उससे भी बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जी, धन्यवाद। तो उसको दर्शकों एसीपी फौरी तौर से उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। हम भाई साहब का भी आभार प्रकट करते हैं और ये कहते हैं एसीपी साहब बादला साहब कृपया।